मेरे एग्जाम्स हो चुके हैं, मेरा रिजल्ट आ चुका, अब बारी है न्यू क्लास की। अब फाइनली मैं प्रमोट हो गई हूँ 10th में और आज मिलने वाली मेरी सारी 10th की बुक्स। और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि 10th की बुक्स आएंगी, बहुत सारा मटेरियल आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, न्यू बुक्स, न्यू सब कुछ, और इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना। अभी बस हम स्कूल जा रहे हैं बुक्स लेने के लिए। अच्छा, बुक्स लेने जा रहे हो? ऑल सेट। ये तो फ्रेंड्स, जब न्यू बुक्स आती है तो अलग ही क्रेज होता है नई किताबों का, मतलब वो एकदम करारी करारी किताबें होती हैं, खोलने का भी इतना अच्छा लगता है ना, मजा आ जाता है। तो जिन्ही को अब मिलने वाली 10th की बुक्स, यानी मतलब बोर्ड है 10th में और बोर्ड की बुक्स से पढ़नी है, उतना सारा मटेरियल मिलेगा, इतनी सारी चीजें मिलेंगी। आप रेडी हो? ये तो हम लोग रेडी हो गया, सुबह सुबह निकल रहे हैं जिन्ही की बुक्स लेने। और ध्वनि मैडम जी का आज लास्ट डे है तो ध्वनि स्कूल गई है, क्या पता हमें मिल जाए, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। आज इसका गेम्स पीरियड देखो, देखते हैं, चलो चलते हैं हम इसके स्कूल, बुक्स लेकर आते हैं फिर बुक्स दिखाएंगे आपको। आज तो कितने एक्साइटेड हो आप? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ नई बुक्स के लिए, कौन कौन एक्साइटेड नहीं होता। और फ्रेंड्स, किस किस बच्चे की 10th की न्यू बुक्स आने वाली है वो भी कमेंट करके बताओ, मतलब कौन कौन किस किस क्लास में प्रमोट हो रहा है, जरा हो गया है हो रहा है कमेंट करके बताओ। और जिनी का बोर्ड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि 10th की बुक्स मुझे भी देखनी है और मैं जिनी को आज से पढ़ाना शुरू कर दूंगी। डन। अच्छा नंबर लाएगी 10th में? यस, प्रॉमिस। चलो चलते हैं और इसकी बुक्स लेकर आते हैं। फाइनली हम स्कूल पहुंच गए हैं, तो चलो गेट नंबर, कौन से गेट नंबर पे? तो इसके स्कूल में 6 गेट हैं, अब हम गेट नंबर 3 पे जा रहे हैं, अभी हम फर्स्ट या 2 पे खड़े हुए हैं, है ना? हाँ, तो चलो अब हम गेट नंबर 3 पे जाते हैं और जिन्हें की न्यू बुक्स लेकर आते हैं। पर अभी मेरे को लग रहा है क्राउड हो गया है, थोड़ा हम लेट हो गए हैं, है ना? चलो चलो चलो। तो यहाँ पे जिनी क्यू में लग गई है, जिनी 10th की बुक्स, हम बुक शॉप पे पहुंच भी गए हैं। सारी बुक्स आ गई आपकी? कितना वर्ण, फ्रेंड जैसे चला भी नहीं जा रहा, देखो जिनी की हालत, क्योंकि इतनी सारी बुक्स हो गई, इतना हैवी बैग है, बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा, लेकिन ये सारा आपको पढ़ना भी है, ये पूरा लॉट आपको पढ़ना है। तो घर चले, इतनी सारी बुक्स का कहते ना, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। जिनी कहेगी, जिनी कहेगी 10 दिन पहले ही हो रहा था, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज ये हो रहा है, सारी दुनिया का बोझ उठा। नहीं मतलब 10th का बोझ उठाने में भी आप थक गए जिनी, अभी तो आपको बहुत सारे बोझ उठाने हैं बेटा, अभी तो स्टार्टिंग है लाइफ की। करेक्ट, चलो फ्रेंड मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ। और लिस्ट आपके पास? यस, लिस्ट हमारे पास है। तो फ्रेंड्स अभी हम लिस्ट के अकॉर्डिंग सारी बुक्स चेक करते जाएंगे, दिखाते हैं कि हम 10th की बुक कैसी है, क्योंकि मैं भी फुल एक्साइटेड हूँ। और जिसके पास भी मेरी जैसी सेम बुक है वो भी हमें कमेंट करके बताना। और फ्रेंड एक काम कर जरा, पहले पेन लेकर आ, हम टिक करते जाएंगे, ठीक है? फ्रेंड्स मुझे बड़ा मजा आता है न्यू बुक्स के साथ एंजॉय करने में, और कैची भी लिया, ये कट भी करना पड़ेगा भैया, हमारे हाथ इतने मजबूत नहीं है जो एक गांठ खोल देंगे, वैसे तो खोल भी सकते हैं। मैंने खोल दी फ्रेंड्स, मैंने गांठ खोल दी, तो जिन्हें आपको कैची की जरूरत नहीं है, ये देखो, वाह वाओ की नानी, ये देख ये नहीं खुल रही, मैं लाई। कोई बात नहीं, हमें कैची की जरूरत पड़ेगी, पेन आप लेकर आओ। तो फ्रेंड्स ये है जिन्हें की बुक्स की पूरी स्लिप जो मिली है स्कूल से, और ये देखो इसकी टोटल बुक आई है 4170 की, यानी 4170 रुपीज की जिन्हें की
टेंथ की पूरा सेट आया है और जिसमें इंक्लूड है 12 बुक्स। फ्रेंड्स ये देखो, पहले था टोटल ऑफ 11 बुक्स लेकिन यहाँ पे 12 किया है, तो अभी हम चेक करते हैं कि 12 बुक्स है या नहीं है। फर्स्ट बुक कौन सी है जी? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये है जी की फर्स्ट बुक, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये किसकी है? इंग्लिश की, सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 10th। इसमें कितने चैप्टर्स है? पहले चैप्टर देखो, मम्मी ये भी चेक, सबकी मम्मियां करती है। नाइन, कुल नाइन चैप्टर्स है फ्रेंड्स, कुल नाइन चैप्टर्स। दो बुक है इंग्लिश की। हाँ, लेकिन इसमें पोएम भी तो होंगी? नहीं, इसमें पोएम नहीं है। अच्छा, इसमें पोएम नहीं है। तो फ्रेंड्स ये है इसकी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर और इसकी दो दो बुक्स है इंग्लिश की। फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट। तो दो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की क्लास 10th की, यानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट। तो ये तो थोड़ी मोटी लग रही है मुझे, इसमें ज्यादा चैप्टर होंगे। अब दोनों बुक्स पढ़नी पड़ेगी फ्रेंड्स इंग्लिश की, कितना मजा आने वाला है ना। लास्ट ईयर भी दो ही बुक्स थी, पढ़ने में कितना मजा आने वाला है ना फ्रेंड्स। इसमें है 9 चैप्टर्स पर इसमें फॉर्म इंक्लूडेड नहीं है। फॉर्म इंक्लूडेड नहीं है, तो यानी इसके टोटल हो गए 18 चैप्टर प्लस फॉर्म, 10 फॉर्म, यानी नहीं 9 चैप्टर्स प्लस फॉर्म यानी 18 चैप्टर्स। 18 चैप्टर्स के अराउंड हो गए, ये हो गई दो इसकी इंग्लिश की बुक। और फ्रेंड्स किस किस की 10th की बुक आ गई जरा कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ। अभी हमारी इंग्लिश की वर्क बुक, इंग्लिश की। अच्छा, अभी इंग्लिश की एक बुक और है। अच्छा, स्कूल की वर्क बुक। तो पहले हम इंग्लिश का मटेरियल अलग करते हैं। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, ये है इसकी इंग्लिश की वर्क बुक, वर्क एंड एक्सप्रेशन। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये ग्रामर बुक है इसकी, तो बेटा पढ़ना पड़ेगा। और ये देखो कितनी अच्छी बुक्स लग रही है ना, नई 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 नई। और इस पे जब हम सुंदर सुंदर राइटिंग से लिखेंगे और टीचर सुंदर सुंदर रिमार्क देगी तो कैसा लगेगा हमें? हाँ, तो हमें वैसे ही रिमार्क चाहिए, हमें बहुत अच्छा तो लगेगा लेकिन वैसे ही अच्छे वाले रिमार्क चाहिए। तो ये हो गए इंग्लिश की इसकी तीनों बुक। अब आ रही है मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, ये रही। ओ और जिनी कर लेगी, सब बच्चे कर लिए लेकिन अब पढ़ाई स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। ओके, नो लापरवाही। तो ये हो गई मैथ्स की एक बुक। अब आती है मैथ्स की एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। इसमें सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर्स भी होंगे। तो ये इसमें बड़ा मजा आने वाला है। चैप्टर वाइज जिनी डेली डेली करेगी, डेली डेली 2-3 पेजेस करेगी। डन डन। अब आते हैं साइंस, साइंस की नॉर्मल बुक ही है एग्जाम्पलर। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, तीनों है फिजिक्स केमिस्ट्री और हाँ, अच्छा तीनों एक ही बुक में। अरे पतली नहीं लग रही है? बहुत मजेदार लग रहा है और बुक सारी अच्छी, बुक सारी अच्छी है, पढ़ने के बाद पता लगेगा कि हमारे दिमाग में कितनी बुक्स है। अब आती है साइंस की लैब मैनुअल, ये साइंस में क्या होता है? साइंस की ये इसमें मैं बताती हूँ फ्रेंड्स क्या होता है। एंड में ना टीचर्स हमें 2 दिन पहले बताती है, बेटा प्रैक्टिकल फाइल बना लो, इसमें से सब चेक ये होता है। हम सब चेक लेते हैं और सारा पेपर कराते हैं ना, ये हमें प्रैक्टिकल्स देने होते हैं। जैसे कि 9th में भी हमने दिए थे, लैब में जाके हमने प्रैक्टिकल्स दिए थे और प्रैक्टिकल तुमने शक्ल देखी थी जो टीचर्स है वो कह रही थी कि इस साल की जो हिस्ट्री है वो काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा।
अच्छा तो देखो इसमें है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये हमने सेम चैप्टर 8th में पढ़ा था। तो चलो अब ये सारी पढ़ाई तो हो ही जाएगी। अब इसकी आती है हमारी हिस्ट्री के बाद कंटेम्पररी इंडिया ज्योग्राफी, ज्योग्राफी रही ये रही। और ज्योग्राफी में भी पता है वैसे ही चैप्टर है, मैं बताती हूँ। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब हमने 8th में पढ़ा था। तो मतलब जो 8th में बच्चे हैं या 8th में आने वाले हैं, वो अपनी 8th की पढ़ाई अच्छे से करना, क्योंकि सारी 10th की पढ़ाई आपकी 8th की पढ़ाई पे बेस्ड है। हाँ, 8th और 9th पे बेस्ड है, तो अच्छे से पढ़ना ताकि आपकी 10th बहुत स्मूथली निकल जाए, जैसे जिंदगी निकलने वाली है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी सिविक्स, सिविक्स का मेरे को इतना आइडिया नहीं है क्योंकि सिविक्स हम पढ़ते नहीं है। सिविक्स आइडिया पढ़ते हैं, सिविक्स अच्छी लगती है, पर सिविक्स का मेरे को इतना आइडिया है। अच्छा ओके, इसमें भी डेमोक्रेसी है, जो 9th में बच्चे थे वो याद करोगे डेमोक्रेसी में हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ा। तो ये हो गई जी की सिविक्स की बुक्स। अब ये लास्ट आती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ने में तो मुझे भी बहुत मजा आता था, मैं जब बीबीए और एमबीए की थी ना, मैंने इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी में टॉपर थी मैं। ये अब मेरा मजाक उड़ाते हैं, बट मेरी मार्कशीट में भी लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी टॉपर। ये देखो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स की बुक बहुत अच्छी बुक्स होती है, इकोनॉमिक्स की बड़ा मजा आता है पढ़ने में। तो अब ये काउंट करो, 12 बुक्स हो गई। अभी अभी तो रुक जाओ, अभी स्पर्श है। अच्छा हाँ, अभी बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है। स्पर्श भाग तो अच्छा हिंदी की है। कक्षा 10 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक, पता समझ में आ गई क्या लिखा? कक्षा 10 के लिए, संचयन भाग दो, कक्षा 10 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। अभी पूरक लिखा है, अभी पूरक लिखा है, जो जिंदगी की छोटी छोटी मिस्टेक पूरक पाठ्य पुस्तक। पूरक मतलब पूरी, पूरक मीन्स पूरी होगी। ओके अब आते हैं, हमने फ्रेंच भी दी हुई, संस्कृत भी दी हुई, मैं और मेरा व्याकरण भी होगी। ये सरस्वती की मैं और मेरा व्याकरण, ये है व्याकरण की टेक्स्ट बुक, ये है व्याकरण की टेक्स्ट बुक। यस, अब आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसमें आर्टिफिशियल लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आर्टिफिशियल बताया ये गया है कि जो रोबोट होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं। हाँ, तो बताया ये गया, तो यही बोला मेरे फ्रेंड्स, मैंने क्या गलत बोला? जो आर्टिफिशियल लोग होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। यही कई जमाने रोबोट बन रहे हैं, और रोबोट आजकल तो मैंने पता की रील देखी थी जिन्हें उसमें टीचर भी रोबोट थी। हाँ हाँ बहुत, आपको अगर बताओ सोफिया सबसे पहली ऐसी रोबोट थी, मतलब जो सारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग। अब तो आर्टिफिशियल ब्रेन भी बन गया। हाँ, आर्टिफिशियल ब्रेन भी बन गया। और फिर कमाल की बात, इधर आओ, जिसकी ये वाली बुक थी 9th में टचपैड की, वो लोग रिलेट कर सकते हैं। ये सारे चैप्टर्स हमने 9th में पढ़े हुए हैं, सारे चैप्टर्स। फिर तो आपको पढ़ने की जरूरत पर है? ये थोड़े से अलग है, जैसे एनएलपी पढ़ा था हमने, एआई प्रोजेक्ट साइकिल पढ़ा था, डाटा साइंस पढ़ा था, कंप्यूटर विजन, पर ये थोड़ा डिटेल में। पर ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है ये सब हमने पढ़ रखा है, कम्युनिकेशन से, और इसमें कुछ नहीं होता सीरियसली, पर पढ़ने में जब आते तोते उड़ जाते। अब आती है हमारी प्रैक्टिकल नोटबुक फिजिक्स की, फिजिक्स। फ्रेंड्स इसकी मैं बात कर रही थी, इसमें हमें सब कुछ लिखना होता है अकॉर्डिंग। अच्छा, ये प्रैक्टिकल फाइल जो कह रही थी जिन्हें चेपना होता है, तो ये हो गई इसकी बायोलॉजिकल की प्रैक्टिकल फाइल, ये हो गई इसकी केमिस्ट्री की पहली प्रैक्टिकल फाइल, ये फिजिक्स की, और ये टोटल। ये मुझे लिखने में ना बड़ा मजा आता है, वो इतने सुंदर सुंदर लिखते हैं। हाँ सुंदर लिखते हैं, तो नंबर वन है। आपको मैंने सारी दिखाई थी इसकी नोटबुक्स, और वो बहुत मस्त बनाती है, वो तो मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा सा और पढ़ने पे ध्यान देना पड़ेगा इस बार। और इस बार मैं खुद ही से एक एक वर्ड पढ़ाने वाली हूँ। और ये देखो फ्रेंड्स, ये इसकी हो गई सारी बुक्स और सारी नोटबुक सब कंप्लीट हो गया है, और अब हम इसको और सुंदर बनाएंगे, इसको कवरिंग करेंगे, बड़ा मजा आएगा उसको करने में। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी 10th की बुक्स। अरे मेरी है, अभी भी है, और इनके लिए, इनको पढ़ने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आगे हमारा है बोर्ड। जो भी 10th में आ गए, जो भी 12th में आ गए, सब कड़ी मेहनत करो, क्योंकि बोर्ड है। और 10th के मार्क्स ऐसे होते हैं जो आपको पूरी लाइफ काटने होते हैं, कि अगर 10th में अच्छे मार्क्स आ गए तो आप कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हो, वरना तो कुछ करें, कुछ नहीं कर सकते। 10th के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतनी महंगी महंगी बुक्स आते हैं, इतनी महंगी महंगी पढ़ाइयों पे खर्चा होता है, आपके माँ बाप की खून पसीने की कमाई उसमें जाती है, तो प्लीज
वेस्ट मत करो, अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि सब अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। तो किस किस की सेम बुक्स है, बिल्कुल मेरी जैसी, वो हमें जल्दी से कमेंट करके